किस्मत वाली हूँ, बड़ी किस्मत वाली हूँ कि हर बार बहनों के और भाइयों के बीच में आने का मौका मिलता था, लेकिन आज वाकनेर में दादा माई वाले के मंदिर में बिल्कुल आते ही सबसे पहले इन्हीं का आशीर्वाद मिला। बड़ी सौभाग्यशाली जोरदार तालियों के साथ हमारी दीदी का, पूरे परिवार का और दादा माई वाले का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस लायक बनाया और इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया। मेरे हेज में दीदी और 1 किलो सूख गई है बेचारी, वजन कम हो गया है, मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट थी, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और भैया आपका सबका थैंक यू सो मच दीदी। और मैं दादा माई वाले से यही दुआ करूंगी कि इस टीम को ऐसे ही बनाए रखे, ये प्यार ऐसे ही बनाए रखे। थैंक यू सो मच। तालियों में कंजूसी नहीं भाई, जब तक मेरी टीम का वेलकम नहीं होता है। ऐसे ही बढ़िया दिलाते गाँव बाकनेर में आए हैं दादा माई वाले पे भाई, बड़ी किस्मत वाली हूँ। घरों में तो कीर्तन होते हैं, पर डायरेक्ट मंदिर में जब कीर्तन होते हैं तो अलग ही रौनक होती है। आज तो दादा माई वाले से जोड़ी बरवा के ही जाऊंगी, पंडित जी देख लेना बिल्कुल। मैं तो दादा माई वाले पे जोड़ के साथ ओ दादा भाई वाले की जय। शुक्रिया ना शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते, इतना प्यार इतना आशीर्वाद, क्या कहूँ। अगली बार आऊंगी तो गाना वो भजन बना के लाऊंगी स्पेशल। दादा के तो बहुत सारे भजन है। हाँ नहीं, धन्यवाद का भी तो बनता है ना, एक दादा के साथ साथ भैया और का, दीदी और का, सबका वो भी एक नंबर था। उसके नाम क्यों डाल दो, कोई दिक्कत ना है। थैंक यू सो मच, फिर से एक बार जोरदार तालियां भाई। बोल दादा भाई वाले की जय। सारे आ जाओ भाई, सारा परिवार आप देख लो। कती और है कोई? आओ पंडित जी, आओ आपके बगैर काम नहीं। किसी आ जाओ क्या भाई? पंडित जी का भी साक्षात आशीर्वाद सुना का है दादा भाई वाले को। थैंक यू थैंक यू। बहुत ज्यादा वीडियो देखते हैं इसकी वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। और दादा माई वाले का फिर से एक बार शुक्रिया करूंगी कि उन्होंने अपनी बेटी को इस लायक बनाया कि इतने अच्छे अच्छे परिवारों में मेरी एंट्री कराई। बोल दादा माई वाले की जय। करेंगे और गाइस कीर्तन शुरू होने वाला है भाई। दादा माई वाले का दरबार लग चुका है और भाई ये है हमारी बहुरानी, ये बेटा है हमारे पंडित जी, ये है पोता जिसका जन्मदिन है, और ये है हमारे पोते के दादा दादी। हेलो हेलो कर लो दीदी इधर, हेलो यू कर हेलो गाइस। हेलो भाई, आज दादी बड़ी खुश है, आज दादी बड़े खुश है, आज दादी पूरा बटुआ खोल देगी, आज दादी कति नहीं कल। थैंक यू थैंक यू। और भाई ये देखो सारे इतने बड़े बड़े फैन बैठे हैं मेरे यहाँ पर, कितना प्यार करते हो मुझे, बहुत ज्यादा प्यार। थैंक यू। तो चलो गाइस पहले भाई सबसे पहले दादा माई वाले का आशीर्वाद ले लिया है और अभी केक कटिंग करेंगे, ये सब इंतजार में। आओ दीदी मेरे पास भेज दिए सारे वीडियो, साचे प्यार करो झूठा करो। दलाल की भांजी हूँ मैं, भांजी। अच्छा चल, अच्छा अच्छा तो चलो भाई एक बार। ओए सुमन, यहाँ पे सारी दीदी और आ चुके हैं भाई, और बाकनेर गांव में आने के बाद मेरा दिल इतना खुश हो जाए। इनकी स्माइल देखो, ये हुए मार करेंगी, इनकी स्माइल मार देगी और तो छोड़ो हैं। एक बार केक काटते, केक काटनी जल्दी आसुमन। आओ दीदी
तो भाई केक कटिंग थोड़ा सा लेट होने का नतीजा, हमारे पोते का जन्मदिन है तो भाई फुल डेकोरेशन है, कीर्तन शुरू होने से पहले यहाँ चले होगा केक कटिंग। यूं बताओ इसे सुतरे बहू कितना ढूंढ के लाए। अच्छा अच्छा बेटे की पसंद है, दो बेटे हैं, अरे वाह मान गए भाई, लेके आए हैं ना भाई कति मान गए, मैं कतिया लेके ढूंढू जब भी ना मिल रहे। हां कोई और बहन मुनो तो बता दियो, सारे कॉलेज में बेटा भगवान थारी जोड़ी बना रहे, कॉलेज में सबको सुतरिया थी, सारे कॉलेज में है वीडियो भाई बिल्कुल सुंदर। और गाइस देख लो बेटे के जन्मदिन की खुशी तैयारी ही झलक रही है, बहू सुतरी पर आज और गली सुतरी लग गया है भाई, क्यों आज बेटे का बर्थडे हो गया 6 साल का, तो आओ दीदी सब आओ फटाफट आओ भाई, मैं भी कैप पहनूंगी, सुनो साइन मेरे पास भेज दियो, मेरा नंबर पूरा आएगा पूरा टेंशन ना लो। और गाइस जल्दी से बहुत सुंदर केक है और बहुत एक्साइटमेंट हो रही है भाई, मतलब आप देख सकते हो गाइस कितना सुंदर होगा ये खाने में टेस्टी बेटा, बस एक ही होगा, दादाजी बहुत खुश है, काटते जा रहे हैं अभी केक कटेगा और आप सब वहाँ बैठे बैठे घर बैठे बैठे तालियां बजाएंगे, आप बेटे को बेस्ट विशेष देंगे, भगवान इसको इतना अच्छा इंसान बनाए, इसकी उम्र इतनी लंबी हो और इसकी जोड़ी में कोई भी कमी छीट ना आए, इतनी देर सारी खुशी आए ना, मेरी दादा जी भी पकड़ेंगे भैया, आप पकड़ेंगे दोनों का। और गाइस केक कट गया है, कटने वाला है अभी, कटा नहीं है, तो जो ज्यादा जोर से बोलेगा उसी को केक सबसे फालतू मिलेगा, ठीक है।
पर वैसे इतने डरने वाले हैं नहीं, वो बहुत अच्छे हैं। मैं जितना धन्यवाद करूं इन दोनों का और पूरे परिवार का, मेरे भतीजे का और हमारे पोते का, बहू रानी का, चलो कोई बात नहीं, आपका शुक्रिया है, दिल से धन्यवाद करती हूं मैं। और ऐसे ही एक बला और गाइस कीर्तन हो गया है, बहुत बढ़िया कीर्तन रहा। उसके बाद अभी ये फिर से इनकी आदत बिल्कुल खराब हो चुकी है, इतना प्यार दे दिया बहनों ने, इतना प्यार दे दे के बिगाड़ दिया है कि ये बिना प्यार दे दिया मैं भूल गई। हाँ भूल गई, बिना लंच के। और ये दीदी का प्यार देखो, हाथ में जग लेके चाय लेके खड़ी है इंतजार में। ये सुलेखा कितनी चाय पीती है देखो भाई, सुलेखा इतनी चाय पीती है, जो भी सुलेखा को बुलाए और इस टीम को बुलाए। फिर न्यू क्यों कहता ना, चाय ना मिल रहा है। हाँ तो जहाँ भी बोला है तो दीदी डाल दो, कोई नहीं गरम गरम है भैया। ये भी दो गुट फालतू कर दे ना। और ये देखो हमारी सबसे प्यारी दीदी हैं और एक ये हमारी बहन लाडली, लाडली कहने का जी तो नहीं कर रहा, इन्होंने कंजूसी दिखाई इसीलिए हम इनको लाडली थोड़ा जोर लगा लगा के कहेंगे। नहीं भाई पूरा परिवार बहुत बढ़िया, ये बहू रानी तो हमारे दिल का टुकड़ा है भाई। थैंक यू सो मच बेटिया रानी, इतनी सेवा ठा रही है गति। तो भाई आ जाओ भाई, समोसे सब चल रहे हैं। चाय डाल के दे दो एक बारी। हाँ हाँ चाय आ गई और ये जग भरा है चाय का। चीज वीडियो में दिखानी पड़े, बिल्कुल दिखाएंगे दीदी, आपका सबूत भी तो रहेगा कल ना, नाट जाओ बीकानेर में ना बेटी, बस पाड़ेगी कति है सब ने तेरी पूरी सलाह के पाड़न की ना बेबे, कहती पेट पटेंगे बिटिया ना, ना ज्यादा ओवर हो जाएगा भाई। और गाइस ये हमारी दीदी जो आज की केंद्र बिंदु दीदी, और ये हमारी भाई कोई बात नहीं। तो भाई ये दादा माई वाले के मंदिर का मंदिर है, हम आए थे जब, हम थोड़ा लेट से दिखा नहीं पाए। और यहाँ पर आप सुन सकते हो चिड़िया की चहचहाट कि दादा माई वाले के मंदिर में लोग झोलियाँ भर के जाते हैं, तो चिड़िया की भी आवाज़ सुन सकते हो। और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ इस परिवार का, और ये हमारी बिचौलिया इन्होंने कीर्तन बुक किया था, तो थैंक यू सो मच, आप भी जोड़े के साथ आइए। थैंक यू सो मच, करी थी हाँ मैं कहा उनको बुलाएंगे। थैंक यू भैया, थैंक यू, जाओ जाने लग रहे हैं। और भाई मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ पूरे बाकनेर गांव का और दादा माई वाले का फिर से एक बार, थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। आप बताओ आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, हमें तो बहुत ही अच्छा, जैसे करवाते रहे आधे हफ्ते कराए। चलो भगवान ने चाहा तो दीदी के मुंह की क्या नहीं होगी, हर हफ्ते कीर्तन होगा, जल्दी से जल्दी जो मनोकामना पूरी हो आपको ही बुलाएं। आज मैं दादा माई वाले से ये दुआ मांग के जाऊंगी कि जल्दी से जल्दी पोता हो जी, है हाँ। और दीदी से हमें बुलाएंगे। ऐसा है शाम हो गई है, समय पे निकलो। तब तक भूल जाओगे हम तो याद कर, मैं तो याद रखूंगा, हम याद रखें। हाँ सर ठीक है। और गाइस इतना प्यार, ये तीनों देवरानी के खानी है सभी, दीदी और बाप मिल लो दीदी और से, और वो हमारी दीदी की बिटिया रानी है, हमारी दीदी की रानी है, और ये बिचौलन आपसे मिल ही चुका है। लेकिन ये गाइस और ये मेरी क्या है चलन, ये मेरी क्या है चलन, ये आप नहीं 30 साल का है, 40 साल का है, मेरा पीछा नहीं छोड़ी, भाग लो भागण दो जल्दी, चल रहा था दीदी, बाय 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 बाय।